हाँ जी नमस्कार। अभी अभी की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा छोड़कर आए दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने की भारत रत्न की मांग। क्या है जानकारी आपको बताते हैं। इस वीडियो में लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल आपको बताएं, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का ये सम्मान का मजाक किया गया है। इन्होंने ये तक मांग कर दी कि उनको भारत रत्न दिया जाना था। इसके अलावा शिवपाल और डिम्पल यादव की ओर से भी दोस्तों इनके समर्थन में आए और उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। आपकी राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको बताते हैं। इससे पहले 2022 में अक्टूबर महीने में भी दोस्तों इसकी मांग हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल ने भी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी। वहीं 2020 में भी दोस्तों सपा के नेता दीपक मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी। फिलहाल पद्म विभूषण के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा पर आरोप लगा रही है कि उनके सम्मान का मजाक किया गया है। फिलहाल आपकी राय लिखे, शेयर कीजिएगा।